प्रीमियम मार्क। ये सर्टिफिकेट किसने दिया है? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ने। कौन सा डिपार्टमेंट ने? क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया करके डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। वो डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप बोले ये सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है? ये सर्टिफिकेट का वैल्यू ये है कि भारत सरकार एश्योर करता है, लोगों को खातरी देता है कि ये प्रोडक्ट में क्वालिटी है। कौन दे रहा है? सभी मैं नहीं, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट सब लोगों को एश्योर करता है कि ये प्रोडक्ट में क्वालिटी है। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार के ये डिपार्टमेंट के ओर से दिया गया है। हेलो, ऐसे दो प्रकार के सर्टिफिकेट है, एक है प्रीमियम सर्टिफिकेट, एक है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही चलेगा, लेकिन ये प्रीमियम जो सर्टिफिकेट है ये पूरी दुनिया में चलेगा। हेलो, क्योंकि माई लाइफस्टाइल को मालूम है कि माई लाइफस्टाइल का बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान में हमें नहीं करना है, पूरी दुनिया में करना है। हेलो ये सर को, तो ये प्रोडक्ट आप कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट को ये प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो वाई एलिमेंट बेस्ड, समझ में आ रहा है? हेलो, ऐसे बहुत रीजन है सर, तो हमारी क्वालिटी मार्केट से क्यों बढ़िया है। ओके, अब थोड़ी जनरल, जैसे कि ये हमारी प्रोडक्ट पे ये आपको लोगो देखने को मिलेगा आयुष प्रीमियम का, बहुत सारी प्रोडक्ट पे, राइट। चलो अभी देखते हैं सर जी, और ये सबसे बढ़िया बात सर, लास्ट ईयर एलिमेंट्स वेलनेस को पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला हुआ है। मालूम है सर ये अवार्ड की वैल्यू क्या है? सर जी मैं बताता हूं, सर जी ये अवार्ड लेने, ये अवार्ड डाबर कंपनी को लेने के लिए कितने साल लगे? 120 साल। हेलो, आपको वैल्यू नहीं है सर इसका, मैं बताता हूं सर, ये अवार्ड लेने के लिए डाबर जैसी कंपनी को 120 साल लगे। 120 साल के बाद ये अवार्ड मिला है, जब माई लाइफस्टाइल की ये एलिमेंट्स ब्रांड को सिर्फ 6 साल में ये अवार्ड मिला है। ये क्या दिखाता है सभी, क्या बताता है? क्वालिटी। जैसे कि हमें मार्केट में अभी कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को बोलो एलिमेंट्स वेलनेस मतलब लोग बोलेंगे क्वालिटी। हेलो, मतलब एलिमेंट्स वेलनेस मतलब भरोसा। जोर से बोलो, एलिमेंट्स वेलनेस मतलब भरोसा, एलिमेंट्स वेलनेस मतलब भरोसा, एलिमेंट्स वेलनेस मतलब भरोसा। मतलब उसने कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने आयुष प्रीमियम दिया हुआ है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, उसने ये हमारी ब्रांड को बेस हेल्थ करके, हेल्थ केयर करके सब ये अवार्ड दिया हुआ है। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारे ये सर्टिफिकेट अवार्ड ही बोलते हैं। हेलो सर, नो हम बोलते हैं सर नामी काफी, क्या बोलते हैं सर मार्केट में, कुछ हमारे ब्रांड का जोर से बोलो नामी क्या काफी है सर जी? नामी काफी है सर। आने वाले दिन में आप देख लेना सर, माई लाइफस्टाइल कंपनी माई लाइफस्टाइल से नहीं पहचानेंगे लोग, माई लाइफस्टाइल कंपनी आने वाले दिन में उनकी ब्रांड से उनकी पहचान होगी। देखना सर, आप बोलेंगे आपको किसी ने पूछा कि भी आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो आप बोलेंगे माई लाइफस्टाइल, तो लोग क्या बोलेंगे पता है? लोग बोलेंगे अच्छा एलिमेंट्स वेलनेस वाली, हाँ वही। देख लेना सर, आने वाले दिन में ये कंपनी के नाम से नहीं, कंपनी की ब्रांड से पहचानेगी। क्योंकि हमारा नाम ही काफी है, हमारा ब्रांड ही काफी है मार्केट में धंधा करने के लिए। हेलो, ये है हमारी ब्रांड जिसका नाम है एलिमेंट वेलनेस। ओके, चलो अभी थोड़ी दूसरी बातचीत करते हैं। अभी ये प्रोडक्ट को समझने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको जो खुद सेट हो वो प्रोडक्ट कंटिन्यू पहले आप इस्तेमाल कीजिए। हेलो, समझ लो सर, हम किस फील्ड में है? वेलनेस फील्ड में। जोर से बोलो एक बार, हम वेलनेस फील्ड में है।
मतलब लोगों को ये प्रोडक्ट समझाने से पहले, लोगों को ये बेचने से पहले हमें खुद इसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें खुद यूज करना चाहिए, हाँ के ना? तो आपको जो भी सेट हो, जो भी अच्छा लगे आपके लिए, कौन सा आपके पापा या मम्मी के लिए, कौन सा आपकी बीबी के लिए, कौन सा बच्चों के लिए, कौन सा, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। हेलो, क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद ये प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा फैमिली कौन सी किस किस प्रोडक्ट हम कंटिन्यू घर में यूज करेंगे, ठीक है ना सभी। दूसरी बात, तकलीफ वालों का लिस्ट बनाइए सभी। जिन जिन लोगों को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका लिस्ट डेटाबेस होना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसको प्रोडक्ट देना है उसका लिस्ट बनाओ, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सर जी, एक डेटाबेस बनाइए। डेटाबेस जिन लोगों को या प्रोडक्ट देते हैं, क्या आपके पास उनका डेटा है? कौन सी तारीख में मैंने इस भाई को प्रोडक्ट दिया, कौन सी प्रोडक्ट दी, कौन सी प्रोडक्ट कॉम्बो करके दी, अभी अभी मुझे उनको कब देना है वापस, क्या आपके पास ऐसा कुछ डेटाबेस है? हेलो सर, मेरे को सर बातचीत करना, मैं आपको भेज दूंगा इसका एक डेटा भेज। हेलो, वो आप सबको मेंटेन कीजिए, एक डायरी में देता हूं सर जी, एक बुक दूंगा आपको, वो आप जेरॉक्स निकाल के यहाँ पे सर जी दे दीजिए। सबके सबके पास डेटा होना चाहिए, समझ लो मैंने 15 कस्टमर बनाए तो 15 कस्टमर का डेटाबेस मेरी एक बुक में होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन रहेगा, नाम गाम, कौन सी तकलीफ में दिया हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट दी, कौन सी तारीख को दी, हेलो अभी कब देना है, हेलो, ऐसे डेटाबेस होगा, एक रिकॉर्ड होगा। ये आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है। जोर से बोलो एक बार, जोर से फिर वापस बोलो एक बार, आवाज में दम नहीं, हम सेल्समैन नहीं है। एक बार किसी को प्रोडक्ट दिया वापस वो गली में जाना नहीं है, ऐसा नहीं है हमें। हेलो, हम सेल्समैन नहीं है, हम रिलेशनशिप के बिजनेस में, कौन से बिजनेस में, क्योंकि हमें रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर का डिस्ट्रीब्यूटर है। हेलो, जिसको अभी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अभी कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के बाद उसको अच्छा लगा तो कल आपका डायमंड हो सकता है, कल आपका एनटीसी हो सकता है। लेकिन हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन ही नहीं किया, एक बार 595 दिया, 500 रुपया मिल गया, फिर तू कौन मैं कौन। हेलो, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्समैन का काम करते हैं। तो हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हम कौन से धंधे में है, रिलेशनशिप के धंधे में। हेलो, किसी के साथ रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। हेलो, जिनको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। जो भी, ऐसा नहीं है हेल्थ केयर की बातचीत कर रहा हूं, आपने किसी को टूथपेस्ट दिया, साबुन दिया, शैंपू दिया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। कब तक नए नए कस्टमर ढूंढेंगे? मैं समझ लो 10 कस्टमर बनाए टूथपेस्ट के, लेकिन आपने कस्टमर डेटा नहीं मेंटेन किया। वो घर पे यूज करते थे, कौन सी कॉलगेट पेप्सोडेंट यूज करते थे, आपने समझाया कि हर्बल अच्छा है यूज करो, वो 10 कस्टमर ने हर्बल चालू कर दिया, लेकिन आपने उसको संभाला नहीं, आपने उसको दोबारा बोला नहीं भाई टूथपेस्ट खत्म हुई कि नहीं हुई, वापस नहीं पूछा, तो क्या वो सामने से फोन करेगा भाई तू मुझे हर्बल दे? नहीं, उसकी बीवी बोलेगी टूथपेस्ट खत्म हो गया नया लेके आओ, वो जाएगा मेडिकल स्टोर पे, वापस बोलेगा कॉलगेट दो, पेप्सोडेंट दो, वापस घर में वो चालू हो गया कॉलगेट पेप्सोडेंट। तो आपको करना क्या सर, ये रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। आपको अंदाज होना चाहिए कि टूथपेस्ट उनके घर पे इतना चलेगा, सामने से फोन करो, सर वो टूथपेस्ट खत्म होने को आया होगा, हेलो दूसरा भिजवा देता हूं, हेलो हाँ भिजवा दो, हेलो ये कितने महीने तक आपको क्या रखना है पता है? सिर्फ 4 महीना। कितना महीना, जोर से बोलो सर, क्यों 4 महीना बोल रहा हूं? 4 महीने के बाद उनको अपने हर्बल की आदत पड़ जाएगी। हेलो, लेकिन तब तक तो आपको क्या रखना पड़ेगा? हेलो, 4 महीना उसने हर्बल यूज किया, 4 महीना उसको
याद करके संभल संभल के उसको दिया, तो चार महीने के बाद उनको अपनी प्रोडक्ट की आदत पड़ जाएगी, वो सामने से फोन करेगा, सर हर्बल खत्म हो चुका है भिजवाओ, सर शैंपू खत्म हो चुका है, साबुन खत्म हो चुका है, सर मेरे को भिजवाओ। लेकिन चार महीने तक आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उनको हर महीने में याद करवाना पड़ेगा। क्या आप कराएंगे? yes. क्या आप याद करवाएंगे? yes. डेटा मेंटेन करेंगे भाई? yes. करना पड़ेगा, क्योंकि हम ओके तो कस्टमर डेटा मेंटेन कीजिए, नाम गाम तकलीफ वो लेटा रहेगा। दूसरी बात, एमआरपी से नीचे किसी को प्रोडक्ट मत दीजिए, दीजिए जो प्रोडक्ट का एमआरपी है उनसे कम दाम में ये प्रोडक्ट किसी को मत दीजिए सर। हेलो, आप ही आपका मार्केट मत तोड़ो। हेलो, कोई बोलता है कि मेरे को कम प्राइस में दो, तो उनको बोलो कि डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। हेलो, कोई बोले कि मेरे कम दाम में दो, सस्ता दो, तो उसको बोलो तो कोई बात नहीं, तू मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जा। लेकिन आप किसी को एमआरपी से नीचे किसी को मत दीजिए। हेलो, आप ही आपका मार्केट मत बिगाड़ो। हेलो, दूसरी बात सर, दूसरे की थाली में खाना नहीं है, लालच रखे नहीं और लालच दे नहीं। बहुत सारे लोग कस्टमर क्या करते हैं, समझ लो किसी को आपने प्रोडक्ट दिया है, आपके पड़ोस में पड़ोसी में कोई किसी को ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको मालूम पड़ा कि मेरी पड़ोस में किसी और ने प्रोडक्ट दिया है, तो आप क्या करेंगे? कितने में दिया? इतने में, मैं तेरे को इतने में दूंगा। हेलो, लालच देते हैं सर जी, ये मत करो सर, उसको ऐसा बोलो कि तूने जो प्रोडक्ट लिया है सही है, कंटिन्यू यूज करना, अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। हेलो, हम क्या बोल करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हेलो, तो सर किसी की थाली में मत खाइए, लालच रखिए नहीं, लालच किसी को दीजिए नहीं। हेलो, तो ही आपका धंधा लंबा चलेगा। हेलो, आपने किसी को ये समझा के प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन आपके कस्टमर को किसी और ने दे दिया, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? आपके कस्टमर को किसी और ने प्रोडक्ट दे दिया तो आपको बुरा लगेगा, हा के ना? तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बुरा लगता है तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? हेलो, लग सकता है भैया। उधार में प्रोडक्ट मत दीजिए, सबसे बढ़िया चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उधार में किसी को भी प्रोडक्ट ना दीजिए, क्योंकि मेरा पक्का एक रिपोर्टिंग है, जिन जिन को हमने उधार में प्रोडक्ट दिया है वो किसी को भी रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे भी सर यही होता है, क्या होता है, यहाँ पे भी सर यही होता है, पर रिजल्ट नहीं मिलता है, उधार में रिजल्ट तो क्यों नहीं मिलता है, उधार में देते, यही तो सब लफड़ा है। जिन जिन लोगों ने उधार में प्रोडक्ट दिया है वो किसी को भी रिजल्ट नहीं मिला है, क्यों? रिजल्ट मिला ऐसा बोलूंगा तो पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, तो किसी को भी उधार में प्रोडक्ट मत दीजिए, आपके घर पे पड़ा रहेगा चलेगा। उधार में किसी को प्रोडक्ट मत दीजिए सर, सही बोलता हूं सर, आपके पैसे जाएंगे सर। हेलो, आप लालच में मत आ जाओ, इसका मैं एक इलाज बताता हूं सर, उधार में न कैसे उधार में ना दे प्रोडक्ट। हेलो, और कैसे प्रोडक्ट को हम सेल करें, जानना है आपको? यस सर, ये भी मैं बताता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, ठीक है? लेकिन ये बात समझ लीजिए, उधार में किसी को ये प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट मिलने वाला, पैसे भी जाएंगे, संबंध भी खराब होगा। हेलो, सब कुछ होगा, सब पे एक्सप्रेस हो गया, हो चुका है ना सर? तो अभी यहां से स्टॉप करेंगे, स्टॉप करेंगे ना भाई? डॉक्टर की दवा बंद करने की सलाह किसी को ना दे, क्योंकि यहां बहुत सारे डॉक्टर बन चुके हैं। लोग बोलते हैं मेरे गांव में मुझे डॉक्टर बोलते हैं, मुझे भगवान बोलते हैं। अरे भाई, तू डॉक्टर मत बन, हम
कोई डॉक्टर नहीं है, आपको किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। हेलो, हम क्या करते हैं, किसी को कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो क्या बोलेंगे, अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट यूज कर। डॉक्टर का, अरे तू डॉक्टर का दवाई बंद कर दे, मेरी चालू कर। ऐसा मत करना, डॉक्टर की दवाई बंद कर मत, दवाई बंद करने का किसी को मत बोलना, नहीं तो वो भाई ना जल्दी से ऊपर चला जाएगा। क्यों बताया, बताता हूं सचिन, क्योंकि सालों से लोगों को एलोपैथी की आदत लग चुकी है। हेलो, जैसे कि मैं बैसाखी लेके चलता हूं, बैसाखी लेके मैं चलता हूं, और आप कल बोलेंगे प्रकाश भाई आप ये बैसाखी को छोड़ दो, तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। उसी तरह सालों से लोगों को एलोपैथी की आदत लग चुकी है। आप बोलेंगे रातों रात तू डॉक्टर की दवा बंद कर दे, क्या लगता है आपको, बीमारी कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? तो हमें किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। दवाई को किसने चालू की थी, डॉक्टर ने, बंद भी कौन करेगा, कम या ज्यादा कौन करेगा, और डॉक्टर का काम डॉक्टर करेंगे। हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे तू काम कर बंद कर, ये हमारा काम नहीं है। उसको बोलो डॉक्टर, डॉक्टर की दवाई के साथ हमारा प्रोडक्ट आप चालू रखिए। हेलो, बोलेंगे हेलो, कभी भी डॉक्टर की दवाई मत बंद करवाना। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं करवानी। हेलो, और दूसरी बात सर, आप डॉक्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते। हमारे गुजरात में, हमारे गांव में एक प्रॉब्लम हुआ था, एक भाई ने अपने डॉक्टर लिख दिया। हेलो सर, लीगली प्रॉब्लम हो चुका है वहां पे। हम डिस्ट्रीब्यूटर है माई लाइफ स्टाइल के, हम लोग डॉक्टर नहीं है। हाँ, लोग आपको बोलते हैं भगवान, लोग बोलते हैं आप डॉक्टर जैसा है, जैसा है, डॉक्टर नहीं है। हेलो, यानी कि आप डॉक्टर लिख के किसी को दे दे, इसे लेटर पे बनवा दे, ऐसा मत करना, लीगालिटी के प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, क्योंकि ये हमारे गांव में, गुजरात में हो चुका है। उम्मीद रखता हूं अभी कोई करेगा नहीं, हमारे सर नो, तो डॉक्टर की दवाई बंद करने की किसी को सलाह देनी नहीं है। लिक्विड बॉटल मिनिमम 3 दीजिए, जिसको भी देना है मिनिमम 3 दीजिए, एक मत दीजिए सर, राइट? आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच में 1 घंटे का टाइम रखना जरूरी है, गैप रखना जरूरी है। एलोपैथिक और आयुर्वेदा दोनों साथ में नहीं ले सकते, पहले एलोपैथिक बाद में आयुर्वेदा, पहला आयुर्वेदा बाद में एलोपैथिक, दोनों साथ में नहीं ले सकते। दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बताता हूं मैं, वो फॉर्मूला कैसे प्रोडक्ट को सेल करें। जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं उनके प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो कैसे करें, जिसमें आपको उधारी में भी प्रोडक्ट को देना नहीं पड़े। ये फॉर्मूला है ना सर, ये स्क्रिप्ट है ना, माइंड में लिख दीजिए। हेलो, समझ लीजिए आपके आसपास में, पड़ोसी में किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ है, तो डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए उनको, डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए उनको। क्या बोलना है, जब आप लोग उसके घर पे गए तो क्या बोलना है, ऐसा क्या बोलना है, मैं एक साहब को पहचानता हूं जो आयुर्वेदिक का काम करते हैं, और आपको जो तकलीफ है उसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, देते हैं। दवाई थोड़ी महंगी आएगी लेकिन रिजल्ट एकदम अच्छा देगी। हेलो, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा सकता हूं। साहब आने वाले होंगे तो उसके अगले दिन आपको मैं फोन करके बताऊंगा, आप हाजिर रहना। आप बोले तो मैं बुलाऊ, आप बोले तो कॉन्टेक्ट कराओ, बोलो क्या करूं, हाँ करवाओ ना। हेलो, आपकी अपलाइन बन जाएगी वो टाइम डॉक्टर, आपके ही प्रोडक्ट बेचेंगे आपके पड़ोसी ने। हेलो यस सर नो, और उनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि उधारी पे दो, समझ में आ रहा है? हेलो,
जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्ट सेल करने के लिए गए तो हो सकता है उनका पैसा फंस जाए, हो सकता है उनको उधार पे प्रोडक्ट देना पड़े, लेकिन ये फॉर्मूला को आपने यूज किया, अच्छी तरह से यूज किया, ये फॉर्मूला का रट्टा लगा दिया, उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो आप ये उधारी से बच सकते हैं। हेलो, समझ में आया तो बोलो यस, राइट, ओके। और क्या कह के ये प्रोडक्ट में देना है, लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, जब आप प्रोडक्ट किसी को देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, गारंटी बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, गारंटी, ये अच्छा हो जाएगा गारंटी, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे क्या बोलते हैं, हाँ गारंटी, उनकी गारंटी तो कोई लेता ही नहीं है, लेकिन वो सारे गांव में बोलता है गारंटी, मेरा गारंटी, आज के बाद गारंटी वर्ड निकाल दीजिए, गारंटी शब्द किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है, गारंटी मत बोले सर, कोई बोले आपको ये प्रोडक्ट में यूज करो आपकी मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका गारंटी, जब कोई ऐसा बोले तो एक ही शब्द बोलो, सर सर मेरे हिसाब से हमारी जो प्रोडक्ट हम देते हैं ना सर, तो 10 लोगों को हम ये प्रोडक्ट देते हैं ना सर, तो उसमें से 7 से 8 लोगों को रिजल्ट मिलता है। हेलो, ये वर्ड यूज कीजिए सर, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है जो प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो 100% रिजल्ट देगा ही, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और कोई बोल रहा है 100% गारंटी तो मैं उसको बोलता हूं तू झूठ बोल रहा है, ये वर्ड यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तासीर अलग अलग है, हमारा बॉडी की तासीर सबका अलग अलग है, समझ ले आपने, कटक में मैं डॉक्टर हूं, आप मेरे पेशेंट है, आप सब लोग मेरे हॉस्पिटल में आए, सब लोगों को एक ही बीमारी है, मैंने सब लोगों को एक ही दवाई लिखी, फिर भी 10 में से 2 लोग ऐसे रहेंगे जिनको मेरी दवाई काम नहीं करेगी, सही बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं सर, जैसे कि कुछ आइटम है, जैसे कि आप यहां के फेमस आइटम कौन सी है सर, की दही बड़ा है, क्या आपको लगता है दही बड़ा सबको अच्छा लगता है, मेरे को बताओ, दही बड़ा सबसे अच्छी आइटम है तो पूरा आपका ये इकट्ठा सबको दही बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को दही बड़ा अच्छा नहीं लगता है भैया, उसको उसका टेस्ट नहीं पसंद है, ये दही बड़ा ही सेट नहीं होता है हमारी बॉडी में, तो क्या लगता है ये प्रोडक्ट सबको रिजल्ट देगा, हेलो, लेकिन एक बात का मैं भरोसा दे सकता देता हूं, मार्केट में दूसरे जितने भी कंपनी है वो सारे ब्रांड से सबसे अच्छा रिजल्ट हमारी ब्रांड देगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं समझ, मैं ये क्यों बोल रहा हूं बता सकी, आप कहीं भी फंस ना जाओ इसलिए, हेलो, कि मार्केट में लोग आपको उनकी बातों में फंसा देंगे, हेलो यस और नो, तो जब कोई मार्केट में बोले कि गारंटी तो आप क्या बोलेंगे सभी, ये वाला सर गारंटी, गारंटी बोलते हैं सर, मैं एक बात का आपको भरोसा दे सकता हूं, हम 10 लोगों को ये प्रोडक्ट देते हैं, 10 में से 7 से 8 लोगों को ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, और आप बोले तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट का वीडियो भी मैं दिखा सकता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को आप बोले तो बिला भी सकता हूं, ये बोल सकते हैं आप, लेकिन गारंटी शब्द नहीं बोलेंगे सर, पक्का, ओके, मिनिमम 2 महीने का बोलिए सर, किसी को भी रिजल्ट अच्छा लेना है तो 2 महीना मिनिमम प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, कोर्स है 4 महीना 6 महीना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 30 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को 45 डे, बहुत सारे लोगों को 60, एक साइकिल रहता है, हेलो, 45 से लेके 90 दिन का साइकिल रहता है किसी को प्रोडक्ट में, उसी की बॉडी में प्रोडक्ट को रिजल्ट देने के लिए, हेलो, तो कम से कम 2 महीना उनको ये प्रोडक्ट यूज करना ही है, 2 महीना यूज करेंगे तो ही उनको रिजल्ट मिल सकता है, 30 दिन में शायद नहीं मिलेगा, दूसरे महीने में रिजल्ट मिलने वाला ही था लेकिन उसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, हेलो, yes,
तो किसी को भी आप प्रोडक्ट दो तो उसको बोलो रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम 2 महीना यूज करना जरूरी है। कोर्स है 4 महीने का, कोर्स है 6 महीने का, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम कितना महीना? 2 महीना। और सबसे अच्छी बात, विश्वास रखना पड़ेगा। जिनको भी आप प्रोडक्ट देते हैं उनको सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। जब तक सामने वालों को हमारी प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होगा तब तक ये प्रोडक्ट उनके बॉडी में काम करने वाला नहीं है। हेलो, ये सही बात है सर। श्रद्धा विश्वास सबसे बड़ी चीज है। वो बोलता है देखता हूं चल तेरी प्रोडक्ट कैसे काम करती है। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट यूज की है, आज तक किसी भी प्रोडक्ट ने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। चल देखता हूं तेरी प्रोडक्ट में दम है कि नहीं। क्या लगता है उनको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको रिजल्ट। हेलो, जब तक किसी को अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, जब तक आप सामने वालों को भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक ये प्रोडक्ट काम करने वाली नहीं है। और भरोसा दिलाने के लिए मैंने बोला था लंच के पहले वो आपको करना पड़ेगा क्या, कंपनी के वीडियो दिखाइए। बहुत सारे प्रोडक्ट के जो रिजल्ट मिले हुए हैं वो वीडियो दिखाइए सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए। ये सब कुछ करना पड़ेगा। हेलो, करने के लिए तैयार हो? Yes. करने के लिए तैयार हो? Yes. तो ये हमें टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पहला ब्रांड जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। ओके, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे थोड़ा। देखिए प्रस्तर के की बात, प्रस्तर के की प्रोडक्ट देख लेते हैं सर जी। ब्रेक लेना है? अच्छा ओके, तो ब्रेक लेंगे सर। ब्रेक के बाद आधा घंटा 45 मिनट है मेरे पास, लेकिन बहुत बढ़िया है प्रश्न करके प्रोडक्ट जितने भी है हमारी, और एक 95 के बारे में बताऊंगा आपको। हेलो, तो मिलते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, फटाफट आपका काम खत्म होने के बाद आप जगह ले लिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। समस्त में सुव्यवस्था सामने रहे जी, सुव्यवस्था पढ़ा सकते।